इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड होती है वो वैक्सीन के अप्रूवल को देती है। रशियन गवर्नमेंट ने कोविड 19 के खिलाफ एक इफेक्टिव वैक्सीन की बात कही है। नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 2,10,00,000 हो चुकी है। भारत में इस संक्रमण की संख्या लगभग 23,00,000 को पार कर चुकी है और भारत में नए संक्रमित मरीजों के मिलने का रिकॉर्ड लगातार प्रतिदिन टूट रहा है। कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से लड़ने के लिए विश्व भर में लगभग 100 देश इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति ने कोरोना वैक्सीन बना लेने की घोषणा कर दी। रूस द्वारा वैक्सीन बना लेने की घोषणा के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी है, लेकिन WHO सहित दुनिया के कई देशों की सरकारों ने इस वैक्सीन को लेकर कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। भारत ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस के कोरोना वैक्सीन पर लगातार उठ रहे सवाल पर हमने पटना के जाने माने फिजिशियन और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम कर चुके डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से रूस की वैक्सीन और उस पर उठ रहे सवालों पर हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों रूस की वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। रशियन गवर्नमेंट ने कोविड 19 के खिलाफ एक इफेक्टिव वैक्सीन की बात कही है, लेकिन अभी ये बहुत इसके डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं रहे हैं और फेज 1 फेज 2 ट्रायल कब से कब तक हुआ और फेज 3 ट्रायल में कितने हजार लोगों में ये ट्रायल की गई इसकी भी अभी बहुत जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि बहुत सारे जैसे मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका का है, ऑक्सफोर्ड का है, जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं अभी वैक्सीन के बहुत अच्छे चरणों में चल रहे हैं। फेज 3 में जैसे मॉडर्ना 30,000 पेशेंट्स पर उनका ट्रायल होना है, तो कब से कब कितनी अवधि में किन लोगों पर ट्रायल किया गया, उसके क्या परिणाम आए, कितने एंटीबॉडी, कितने टी लिम्फोसाइट, कितने इम्यून सिस्टम को वो सस्टेन करके इम्प्रूव कर पाया और साथ ही साथ उसकी साइड इफेक्ट्स क्या रही, ये सब बहुत बड़े पॉपुलेशन पर टेस्ट करने की आवश्यकता होती है और तभी उसका अप्रूवल मिलता है। और इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड होती है वो वैक्सीन के अप्रूवल को देती है। अपने ही सरकार के द्वारा कोई भी अगर वैक्सीन बनता है और अपने ही इथिकल कमेटी के द्वारा केवल उसको अप्रूवल मिलता है तो उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस में थोड़ी समस्या आती है। तो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड के बीच में इस वैक्सीन का की स्टडी होने की आवश्यकता है और फेज 3 ट्रायल में कितने लोगों पर यह किया गया और उसमें सेफ्टी मार्जिन क्या रहा, उसकी इफेक्टिविटी क्या रही, उसकी इफिशियंसी क्या रही, उसमें कितना एंटीबॉडी टाइटर, कितने बचाव कितने हद तक जरूरी हुआ, उस वैक्सीन का डोजिंग क्या रहेगा और वैक्सीन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एक ही बार रहेगा, ये सब बातें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रे एरिया में है और जिसको रशियन गवर्नमेंट को सबके सामने ला करके इसको इसके इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड को देनी है, तभी इसका अप्रूवल इंटरनेशनल लेवल पर होगा। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी और अन्य देशों ने भी इसको और इफेक्टिवली और प्रूडेंटली जांच करने की बात कही है, तभी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। अभी इसके इफिकेसी और इफिशियंसी और इसके सेफ्टी के बारे में कहना प्रीमेच्योर बात होगी। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, पटना।